सो हे गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जो शेयर के बारे में बात करेंगे वो है टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड, जिसके अंदर आपको कल के दिन एलसी लगते नजर आया था। और आज हम डिस्कस करेंगे इसके आज के लेवल्स को लेकर, यानी 11 तारीख को स्टॉक के अंदर कैसे क्या मूवमेंट्स बन सकते हैं। उसके साथ साथ डिस्कस करेंगे भाई क्या इस शेयर के अंदर हमें जो ना फिर से एक अच्छी रेगुलर तेजी बनते नजर आएगी, गिरावट हुई है तो क्यों हुई है, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना दिया था कल के वाले दिन और वहाँ पर आपको क्लियर बोल दिया था। और एक दिन पहले संडे से आई थिंक संडे को मैंने वीडियो डाला था और आपको क्लियर बोला था भी देखो स्टॉक के अंदर जितना प्रॉफिट आपको हुआ है लेकर बाहर निकलने के बारे में सोचना, मंडे को स्टॉक में यूसी जरूर लगेगा, तेजी जरूर बनेगी, बट उस तेजी के बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बन रहे हैं। तो हो सकता है अपना जो शेयर है वो सेल करके बाहर निकल जाना, प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ जितना जो कुछ भी हो रहा है वो लेकर बाहर निकलो, अदरवाइज स्टॉक जो ना फिर से आपको टूटते हुए नजर आएगा। जैसा कि आप देखोगे जो वॉल्यूम लगी थी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 1,42,00,000 की जबरदस्त वॉल्यूम लगते नजर आए, वो स्टॉक आपको जो ना भी एलसी के अंदर लॉक होते हुए नजर आए और अपने बाउंड वीक हाई से लगभग 71% स्टॉक हमें जो ना टूटते हुए नजर आया है। और अगर बात करें एक साल में रिटर्न की तो लगभग 68% के आसपास नेगेटिव रिटर्न स्टॉक ने दिखाए हैं। वहीं आप देखोगे मार्च क्वार्टर के जो इसके न्यू शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आए हैं वहां पर भी निराशाजनक हमें जो अभी बातें देखने को मिली है। क्या रहा है तो चलिए आपको दिखाते हैं। यहां पर आप देखोगे जो कंपनी के अंदर FFIs की होल्डिंग्स हैं वो हमें डिक्रीज होते हुए नजर आई है प्रीवियस क्वार्टर से, तो FFIs ने अपना स्टेक डिक्रीज किया है और जो पब्लिक है उसके पास इंक्रीजिंग हमें देखने को मिला स्टेक के अंदर। तो चलिए भाई अब देखते हैं इसके आज के जो लेवल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, क्या कुछ AMO वगैरह लगे हुए हैं, डाटा कैसा रहा है जो स्टॉक के अंदर हमें जो ना आगे का पथ दिखा सकते हैं कैसे रहेंगे क्या नहीं, तो चलो देखते हैं। पहले बात कर लेते हैं BSE के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर क्या कुछ इसका डाटा हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो डाटा देखने को मिला है 27,24,000 के आसपास आपको ट्रेडेड क्वांटिटी, डिलीवरेबल की बात करें तो लगभग आपको 15,77,000 के आसपास देखने को मिली है, यानी कि लगभग जो डिलीवरी उठाई गई है 58% के आसपास डिलीवरी उठती हुई नजर आई है। BSE के अंदर अच्छा डाटा देखने को मिला, तो चलिए अब देखते हैं AMO वगैरह जो NSE के अंदर हमें देखने को मिलते हैं और वहाँ पर क्या कुछ रहा है डिलीवरी पोजीशन। तो यहाँ पर आप देखोगे अभी NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सुबह UC लगते नजर आया था, UC के बाद स्टॉक में LC लगा था, वहाँ पर एक मौका था स्टॉक से निकलने का, बट यहाँ पर आप देखोगे जो AMO ऑर्डर लगा हुआ बहुत बड़ा लगा हुआ है, लगभग 2,50,000 के आसपास क्वांटिटी आपको सेलिंग के लिए देखने को मिल रही है। जी हाँ, एक बड़ा सेल ऑर्डर लगा हुआ है, इसका मतलब स्टॉक में आज फिर से हमें LC लगते नजर आ सकता है, पहले मूवमेंट्स हमें बनते नजर आएंगे, स्टॉक आपको अप एंड डाउन होते हुए जो ना नजर आ सकता है, सॉरी उसके बाद जो ना स्टॉक के अंदर आपको LC की तरफ चलते हुए नजर आएगा। वैसे भी आप देखो तो डिलीवरी उठाई गई 38% के आसपास डिलीवरी कम उठी है, बट यहाँ पर एक बड़ा सेलिंग का ऑर्डर देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब स्टॉक आपको जो ना भाई LC के अंदर ओपन होते हुए नजर आएगा। उसके बाद स्टॉक में अगर मूवमेंट्स बनते हैं तो वहाँ पर एक बेस्ट मौका होगा स्टॉक से बाहर निकलने का, अदरवाइज आप लोग ना स्टॉक में अगर फिर से ट्रैप हो सकते हो, जैसा पीछे आपको लॉस हुआ था उसी प्रकार बड़ा लॉस भी आपको हो सकता है। तो जितना हो सके इस शेयर के अंदर हमें अब जो ना सेफ चलना है, अगर मौका मिले तो स्टॉक से बाहर निकले, अदरवाइज आप देखोगे LC लग गया फिर वहाँ पर शेयर सेल नहीं होंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि सभी सेलर्स ही वहाँ पर देखने को मिलेंगे, कोई बायर तो होगा नहीं, इसलिए वहाँ पर जितना हो सके उतना सेफली रहना सही रहेगा। और LC अगर लग जाता है तो वहां से अपने जो सेलिंग ऑर्डर आपने लगाए वो हटा दीजिए, ताकि स्टॉक के अंदर जो ना फिर से मूवमेंट्स बन सके, कम से कम सेल ऑर्डर रहेंगे तो अच्छी बात रहेगी, अगर ज्यादा सेल ऑर्डर लगते हैं स्टॉक के अंदर तो वहां पर जो आपके शेयर है वो सेल करने मौत हो जाएंगे, अगर कम सेल ऑर्डर लगेंगे तो वहाँ पर कोई ना कोई तो बायर्स आ ही जाएगा और वहाँ पर आप लोग जो भी अपने शेयर सेल कर पाओगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर बात करें नीचे में इसके सपोर्ट की तो आप देखोगे इसका जो सपोर्ट है वो लगभग आपको 49 के आसपास देखने को मिल रहा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उससे पहले अगर मैं बात करूँ तो 57 के आसपास इसका सपोर्ट बन रहा है। आई थिंक स्टॉक वो वहाँ पर नहीं कटेगा भाई, अगर अप एंड डाउन करके स्टॉक में फिर से रिकवरी आती है तो अच्छी बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।